डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी का रनवे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलग अलग रंग की स्याही के कलम क्यों होते हैं? जैसे नीली पेन किस काम आती है, लाल पेन की स्याही किस काम में आती है, काली पेन की स्याही किस काम में आती है और हरे पेन का यूज कहाँ किया जाता है? यदि नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए। हम आपको बता दें कि प्रत्येक रंग की स्याही का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और व्यक्ति विशेष ही उसका उपयोग कर सकता है। पेन के इसी प्रभाव और महत्व की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है, जिससे आप इसका इस्तेमाल सही जगह और सही तरीके से कर सके। पेन के मामले में जो सबसे कॉमन कलर होता है वो है ब्लू कलर, यानी कि नीला रंग। दुनिया भर में मैक्सिमम लोगों द्वारा इसी रंग के पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट को नीले रंग के पेन को यूज करने की सलाह दी जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि नीला कलर लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है। दूसरा ये कि नीले रंग से लिखी गई हैंडराइटिंग ज़्यादा साफ और पढ़ने योग्य होती है, जिससे विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपना होमवर्क या क्लास वर्क नीले पेन से करें। इसके अलावा नीले पेन से ऑटोग्राफ वगैरह भी दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर सरकारी कार्य एवं फार्म नीले पेन से ही भरे जाते हैं। यदि हम लोग अपनी ही बात करें तो किसी भी फार्म को भरने के लिए प्राथमिक तौर पर नीले रंग के पेन को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं लाल पेन की। यह पेन आमतौर पर शिक्षकों द्वारा उपयोग में ज़्यादा लिया जाता है। ऐसा इसलिए कि लाल पेन को चेतावनी या प्रतीक माना जाता है और जब अध्यापक बच्चों की कॉपी वगैरह चेक करते हैं तो उनकी गलतियों को अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं और उनकी गलतियों को करेक्शन के तौर पर सुझाव दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हरे पेन का यूज कहाँ होता है। हरी स्याही का उपयोग विद्यालय के प्रिंसिपल या उच्चाधिकारी यूज करते हैं, जिनका हस्ताक्षर सर्वमान्य होता है, जैसे कि न्यायाधीश, गजटेड अफसर, राजपत्रित अधिकारी आदि। किसी आदेश को पारित करने के लिए करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरे पेन से जो सिग्नेचर हो जाता है उस पे सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। जैसे ट्रैफिक लाइट में ग्रीन बत्ती का मतलब होता है जाओ, वैसे ही हरे पेन को किसी दस्तावेज में सिग्नेचर करके सिग्नल देने के लिए होता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं काले पेन का। इस पेन का उपयोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के द्वारा किया जाता है और किसी लिखित दस्तावेज को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना हो तो काली स्याही का उपयोग करते हैं, क्योंकि काली स्याही अन्य रंगों की तुलना में अधिक समय तक टिकी रहती है। और इसके अलावा प्रशासन विभाग में स्क्रैच वगैरह बनाने में किया जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जाकर जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने रिलेटिव में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।